पीडीएफ, या आपको आरआरबी के कोई भी वेबसाइट को आ जाइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो, मैं आप लोग को जो दिखा रहा हूँ CEN03/2018, यहाँ पे एक नया एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन इन इंग्लिश। यहाँ पे आप अगर क्लिक कर रहे हो तो आपको एडवर्टाइजमेंट भी खोल जाएगा, जो आप लोग को मैं एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा हूँ यहाँ पे गाइज। यहाँ पे देख सकते हो ये एडवर्टाइजमेंट, आपकी पूरा डिस्क्रिप्शन में मैंने भी लिंक दे दिया हूँ, और दोस्तों डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। मैंने आप लोग को बताऊंगा कौन सा जोन आप लोग के लिए सही है, ताकि आप अगर अप्लाई कर रहे हो वहां पे आपकी सिलेक्शन हो सकता है। तो ये सारे डिटेल्स दिया गया है दोस्तों आप लोग को। मैं स्टेप एक एक जोन के लिए मैं एक एक टोटल वैकेंसी बताऊंगा, और दोस्तों यहाँ पे ब्रांच वाइज वैकेंसी बता नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रांच वाइज इंडिविजुअली वैकेंसी दिया नहीं गया है। तो आपकी पर जोन वाइज ऑन रिजर्व में कितना है, एससी में कितना है, ओबीसी में कितना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो फाइनली लास्ट में टोटल दिया गया है, वहां से मैंने डाटा कलेक्ट करके एक नया पीडीएफ बनाया हूँ। ये जो पीडीएफ आप देख सकते हो दोस्तों, ये पीडीएफ मैंने खुद बनाया हूँ आप लोग के लिए, जो आप लोग आराम से देख सकते हो। यहाँ पे मैं आप लोग को पूरा समझा दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे चलते हैं, हम स्टेप वाइज स्टेप आप लोग को बताऊंगा रेलवे जेई का जोन वाइज वैकेंसी, और जोन वाइज वैकेंसी के बाद आप लोग तय कर सकते हो या आपको सिलेक्शन कर सकते हो कौन सा जोन आप लोग के लिए सही रहेगा। तो पूरा देखिए वीडियो को लास्ट तक, थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आपकी जोन वाइज वैकेंसी आप लोग को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आरआरबी का जोन टोटल दिया गया है और वैकेंसी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। तो आरआरबी का जोन पहले जो आता है वो अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद में दोस्तों ऑन रिजर्व 225 वैकेंसी है, और एससी में 58 है, एसटी में 30 है, और ओबीसी में 86 है, एक्स सर्विस में 45 है। एक्स सर्विसमैन मतलब इसी के अंदर आप लोग को एक्स सर्विसमैन और फिजिकल एफिशिएंस, फिजिकल हैंडीकैप्ट वाला ये आ रहा है। तो टोटल कुल मिला के आपकी अहमदाबाद में 339 पोस्ट है दोस्तों। तो अजमेर के बात करेंगे तो टोटल ऑन रिजर्व में 421 है, और एससी में 120 है, एसटी में 62 है, ओबीसी में 222 है, और एक्स सर्विसमैन में 81 है, फिजिकल हैंडीकैप्ट में 29 है। कुल मिला के 825 वैकेंसी है दोस्तों आप लोग के लिए। तो अच्छा, ये जो वैकेंसी है, दोनों वैकेंसी है इसी के अंदर ही आएगा दोस्तों। तो आप लोग को उसके बाद बेंगलोर के बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बेंगलोर का देख सकते हो, बेंगलोर में 3365 आपकी ऑन रिजर्व में रहेगा, एससी में 110 रहेगा, एसटी में 48 रहेगा, और ओबीसी में 185 रहेगा, और एक्स सर्विसमैन 72, फिजिकल हैंडीकैप यहाँ पे 12 है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को टोटल पोस्ट मिल रहा है 708 टोटल वैकेंसी मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लोग पूछ सकते हो कि कौन सा बोर्ड सही रहेगा, आप लोग को पूरा लास्ट में बता दूंगा दोस्तों कौन सा बोर्ड सही रहेगा। तो दोस्तों इसके बाद अलाहाबाद देख सकते हो, अलाहाबाद में अच्छा खासा वैकेंसी है दोस्तों, 1446 वैकेंसी है, 1446 वैकेंसी है, और दोस्तों ओबीसी सॉरी ऑन रिजर्व में 788 वैकेंसी है, और दोस्तों एससी में 209, एसटी में दोस्तों 108, और ओबीसी में 341, और एक्स सर्विसमैन और फिजिकल हैंडीकैप्ट में भी वैकेंसी है। सबसे ज्यादा शायद यहाँ पे 1446 रखा गया है, 1446 सबसे ज्यादा है शायद अलाहाबाद बोर्ड में। अगर आपकी कंपटीशन अच्छा है, आपकी प्रिपरेशन अच्छा है, तो इसको जाके अप्लाई कर सकते हो, और घर के नजदीक में अगर चाहिए तो इसको बिल्कुल अप्लाई मत कीजिए। अगर यूपी वालों है, यूपी बिहार, तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो अलाहाबाद। उसके बाद दोस्तों बेंगलोर देख लेते हैं। बेंगलोर में ऑन रिजर्व जो रखा गया है वो 365 है, एससी में 110 है, और एसटी में 48 है, ओबीसी में 185 और एक्स सर्विसमैन 72 और 12 है। तो टोटल कुल मिला के दोस्तों 708 वैकेंसी रखा गया है बेंगलोर में। और दोस्तों यहाँ पे मैं जो डाटा आप लोग को बता रहा हूँ ये ऑफिशियली है, वहां से मैंने कॉपी करके आप लोग के लिए आसान रहेगा, इसीलिए मैंने पीडीएफ बना के रखा हूँ दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगेगा प्लीज एक लाइक कीजिए। इसी तरीके में भोपाल का वैकेंसी देखिए, भोपाल में 186 ऑन रिजर्व में है, और एससी में 59, एसटी में 32, और ओबीसी में 106 रखा गया है,
उसके साथ दोस्तों 39 एक्स सर्विसमैन और 17 फिजिकल हैंडीकैप, टोटल 383 आपकी टोटल वैकेंसी है। इसी तरीके में भुवनेश्वर का भी देख सकते हो, 108 आपकी अनरिजर्व में, एससी 42, एसटी 23 और ओबीसी 69, कुल मिला के 242 भुवनेश्वर बोर्ड में है। भुवनेश्वर बोर्ड में बहुत कम वैकेंसी है, उसी हिसाब में हम लोग देख लेंगे पूरा बोर्ड का। बिलासपुर देखिए दोस्तों, बिलासपुर में अनरिजर्व 220 है, एससी 35, एसटी 41 और ओबीसी में 87, कुल मिला के 404 है। इसी तरीके में चंडीगढ़ भी देखिए, 526 है चंडीगढ़ में अनरिजर्व और ओबीसी में दोस्तों 131। कौन सा आपको अप्लाई करना है वो आप लोग को वैकेंसी वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और दोस्तों आपकी घर की नजदीक वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके में एससी में 73 है और ओबीसी में 266 है और यहाँ पे एक्स सर्विस में 90 है, फिजिकल हैंडीकैप 13 है। तो टोटल कुल मिला के चंडीगढ़ में भी अच्छा खासा वैकेंसी है, 996 वैकेंसी है, ये भी बहुत अच्छा है। इसके बाद जो चेन्नई में आ रहा है दोस्तों, चेन्नई में टोटल कुल मिला के 1183 मतलब 1183 वैकेंसी है और अनरिजर्व में 625 है और एससी में 173 है और एसटी में 94 है, ओबीसी में 291, कुल मिला के 1183 वैकेंसी है। इसी तरीके में दोस्तों गोरखपुर में भी देख सकते हो, गोरखपुर में 625 है, अनरिजर्व में 336, 97 एससी एसटी 48 और ओबीसी में 168। इसी तरीके में गुवाहाटी भी देख सकते हो, अनरिजर्व में 306, 306 है, 81 है एससी एसटी 37, ओबीसी 168, टोटल कुल मिला के 586 आपकी गुवाहाटी बोर्ड में है। तो दोस्तों गुवाहाटी के बाद दोस्तों जम्मू देख लीजिए, जम्मू जहां पे जम्मू कश्मीर कैंडिडेट उनके लिए 460 वैकेंसी टोटल है, एससी दोस्तों 237 और सॉरी अनरिजर्व 237, एससी 65, एसटी 37, ओबीसी 119। तो उसी तरीके में कोलकाता में दोस्तों देख सकते हो, सबसे ज्यादा वैकेंसी है कोलकाता में, 1519 सबसे ज्यादा वैकेंसी है। तो कोलकाता में 780 अनरिजर्व में है, एससी में दोस्तों 211 है, एसटी में 112 है और ओबीसी में 416 है, टोटल कुल मिला के 1519 सबसे हाईएस्ट वैकेंसी है। मालदा में दोस्तों देख सकते हो, ऐसे 1519 के बाद भी मुंबई बोर्ड में 1544 है, तो ये भी हाईएस्ट है। तो आप लोग को डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा आप लोग के लिए सही है। तो आपको अगर घर के नजदीक जॉब चाहिए तो आपकी बोर्ड में डालिए। मालदा में दोस्तों देख लीजिए, 137 अनरिजर्व है और एससी में 46, एसटी में 20 है और दोस्तों ओबीसी में 45 है और टोटल कुल मिला के 248 है। तो मुंबई में दोस्तों अच्छा खासा वैकेंसी है, 1544 मुंबई में है, तो 816 अनरिजर्व, ओबीसी में दोस्तों ओबीसी में 392 और दोस्तों एससी में दोस्तों 206 और एसटी में 103, टोटल कुल मिला के सबसे ज्यादा 1544 आपकी वैकेंसी है मुंबई बोर्ड में। तो उसके बाद दोस्तों मुजफ्फरपुर देख लीजिए, मुजफ्फरपुर में टोटल 114 है, पटना में दोस्तों अच्छा खासा है 299 है। तो दोस्तों यहाँ पे रांची में भी 365 है, सिकंदराबाद में अच्छा खासा वैकेंसी है 789 है, तो सिकंदराबाद में देख सकते हो दोस्तों अनरिजर्व में 434 है और एससी में 112 है, 65 है एसटी में, ओबीसी में 178 है, तो कुल मिला के 789 वैकेंसी टोटल है सिकंदराबाद। इसी तरीके में दोस्तों देख सकते हो और दो तीन बोर्ड यहाँ पे दिया गया है, त्रिवेंद्रमपुरम देख सकते हो दोस्तों 137 टोटल है और सिलीगुड़ी में 195 है, यहाँ पे
पूरा जो कैटेगराइज वाइज यहाँ पे वैकेंसी दिया गया है, ये जो बताया मैंने पूरा दोस्तों आप लोगों के लिए पूरा SC ST OBC पूरा जोन वाइज आपकी वैकेंसी बता दिया। और दोस्तों कौन सा जोन आप लोग के लिए सही है अगर क्वेश्चन करोगी तो आप लोग की आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हो। अगर एक जॉब चाहिए आप लोग को, एक परमानेंट जॉब चाहिए, या कैसे भी करके आपकी जेई का फैन है, या ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी जॉब लेना चाहती हो, तो आप दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा जहाँ पे वैकेंसी है जैसे कि कोलकाता बोर्ड में, मुंबई बोर्ड में और इलाहाबाद बोर्ड में, ये सारे अच्छा अच्छा वैकेंसी है। और अगर तैयारी अच्छा से कर रहे हो ये सारे बोर्ड आप डाल सकते हो। अगर दोस्तों तैयारी अच्छा नहीं है और घर के नजदीक में रहना चाहते हो, पार्ट टाइम जॉब करके भी तैयारी करना चाहते हो, तो ये सब आपकी नजदीक में ही डालिए ताकि आपकी अगर रिटर्न हो गया तो ज्वाइनिंग होगा तो आपको वहीं पे ही होगा, लोकल एरिया में होगा। और जेई का ऐसा है कि आप जेई दूसरे जगह में जाओगी उधर से ये ट्रांसफरेबल हो सकता है दोस्तों, जेई का ऐसा नहीं कि परमानेंट है। आप अगर प्रमोशन ले रहे हो, SSE बन रहे हो, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, तो फिर ट्रांसफर हो जाएगा। जोन वाइज ट्रांसफर, जोन के अंदर ट्रांसफर होगा, डिवीजन वाइज ट्रांसफर होता रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये था पूरा डिटेल्स आप लोग के लिए जेई का, जो जोन वाइज वैकेंसी आपको ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट से ही बताया आप लोग को, और ब्रांच वाइज यहाँ पे मैंने बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ब्रांच वाइज दिया गया नहीं है। इलेक्ट्रिकल से कितना है, इलेक्ट्रॉनिक से कितना है, ये सारे दिया गया नहीं है। तो अगले वीडियो में सिलेबस वगैरह ये सारे आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए क्योंकि मैं रेलवे का जो आप लोग के लिए क्लासेस भी जॉइन बनाऊंगा, क्लासेस भी कराऊंगा, टेक्निकल क्लासेस भी कराऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।